उपनिषद स्कूल के बच्चों को मंगलवार को विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही स्कूल के सर्वांगीण विकास और शिक्षा के अंतर्गत द उपनिषद स्कूल सिमरोड रोड के छात्रों को पास्को एक्ट की सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण के सिविल जज सुमित अग्रवाल और सिविल जज रविशंकर दोहरे ने विद्यार्थियों को उनके साथ होने वाले अपराध के प्रति जागरूक रहना और गुड टच और बैड टच के बारे में भी समझाया गया। साथ ही संस्था के डायरेक्टर अंशु तिवारी के द्वारा भी बच्चों को जानकारी दी गई। इस मौके पर अभिभावक समूह से सत्यनारायण शर्मा, दीपक खावरे उपस्थित थे। साथ ही साथ अंत में कार्यक्रम में आभार प्राचार्य स्मिता नायर ने प्रकट किया। सजेशन है कि कुछ भी किसी भी तरह का अपराध होता है, बच्चे सेंसिटिव होते हैं, अगर कुछ भी उनको गलत होता है वो समझ जाते हैं और उसके बाद मगर वो डर भी जाते हैं और चुप हो जाते हैं, तो चुप ना रहें, अपने माता पिता को, टीचर को या जिससे भी क्लोज हो उसे बताएं जिस पे विश्वास करते हैं, चुप ना रहें। आज इनको क्या क्या शिक्षा दी गई? पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया गया है कि और इनको लीगल सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि ये सेटअप पूरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस है, कोर्ट है, लीगल सर्विस एड है, जो कि हर अपराध के लिए न्याय करने के लिए सक्षम है और तत्पर है। बस ये अपने बात वहां तक पहुंचे, पुलिस तक, कोर्ट तक। बस इंदौर से संजय वर्मा की रिपोर्ट।